हर हर शंकर, जय जय शंकर। हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है भारत का अंतिम गांव माणा। भारत तिब्बत सीमा से लगे इस गांव की सांस्कृतिक विरासत तो महत्वपूर्ण है ही, यह अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी खासा मशहूर है। इस गांव के बारे में यह मान्यता है कि जो वहां गया फिर वो अमीर बन गया। अपने ही देश में एक ऐसा गांव होने का दावा किया जा रहा है जो गरीबी का रामबाण इलाज कर सकता है। कहते हैं कि लंबे समय से चीन भी इस गांव पर डोरे डाल रहा है। दरअसल ये गांव ही इतना अद्भुत है। इतना ही नहीं, इस गांव को श्राप मुक्त जगह का दर्जा भी प्राप्त है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के यहाँ एक बार आने पर वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक मानिकशा नाम का एक व्यापारी था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार व्यापारिक यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काटकर कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी गर्दन भगवान शिव का जाप करती रही। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके गर्दन पर वराकर सिर लगा दिया। इसके बाद माणा गांव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। भगवान शिव ने मानिकशा को वरदान दिया कि माणा आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी। माणा गांव से 24 किलोमीटर दूर भारत चीन की सीमा है। 1962 के भारत चीन युद्ध तक माणा के भोटिया जनजाति निवासी, जो मंगोल जाति के वंशज हैं, वे चीनी नागरिक समझे जाते थे। उन्हें भारतीय नागरिकता तक हासिल नहीं थी। सीमा पूरी तरह खुली और असुरक्षित थी। आर्मी तो दूर, यहाँ कोई सुरक्षा बल भी तैनात न थे, लेकिन यहाँ नागरिकों ने चीन के भारी दबाव और लालच के बावजूद इस समूचे क्षेत्र को चीन के प्रभुत्व में आने से बचाकर भारत में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है। यह पवित्र बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था। इस गांव के साथ एक और अनोखी कहानी जुड़ी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के नागरिक बताते हैं कि 1962 में भारत दूर और चीन नजदीक था, और चीनी नागरिक खुलेआम यहाँ तक आते थे। यहाँ तक कि माणा के निवासी भी चीनी भाषा बोलते और समझते थे। भारत चीन युद्ध में यहाँ के निवासियों ने चीन के दबाव और प्रलोभन को दरकिनार कर भारतीय फौज का साथ दिया और क्षेत्र को भारत में बनाए रखने में भूमिका निभाई। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बालछड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने का काम करती है। इस गांव को भगवान शिव का वरदान भी माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि यहाँ जाने से गरीबी मिट जाती है। यह एकमात्र ऐसा गांव है जो चारों धामों की तरह पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसी गांव में गणेश जी ने व्यास ऋषि के कहने पर महाभारत की रचना की थी। यही नहीं, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडव द्रौपदी सहित इसी गांव से होकर स्वर्ग को जाने वाली स्वर्ग रोहिणी सीढ़ी तक गए थे।
बाबा की ऐसी चमत्कारी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।